हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक्सेल की शीट में बताने वाले हैं विजिटर डाटा रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। मतलब विजिटर डाटा रिकॉर्ड, जैसे आपके रिकॉर्ड बनाना है आपको डाटा का, जैसे विजिटर हैं जो लोग जो देखने आए हैं आपकी साइट वगैरह को, तो उसका डाटा का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं एक्सेल की शीट की तरफ। ये खुल गई हमारी एक्सेल की शीट। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं विजिटर डाटा रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पे मर्ज करके डायरेक्ट डाल देते हैं विजिटर डेटा रिकॉर्ड। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा जूम कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, ये हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हमको डालना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, उसके बाद हमको डालना है डेट। डेट, उसके बाद हमको डालना है टाइम। नहीं, उसमें ही डल गया, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। टाइम, टाइम के बाद हमको डालना है विजिटर नेम। विजिटर नेम, ओके, उसके बाद हमको डालना है विजिटर विथ। विजिटर विजिटर्स विथ, ओके, उसके बाद डालना है हमको रिमार्क। रिमार्क, ओके, अब यहाँ को हम डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम विथ पे जाते हैं, तो ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको सीरियल नंबर डालने हैं 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रैक कर देते हैं सेलेक्ट करके। ये हमारे हो गए 13, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमको डेट डालना है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपकी डेट फुल फिल हो जाए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ओके, इतना ठीक है। यहाँ पे हमको डेट डालनी है 5 फरवरी, F 5 फरवरी 2022। ओके, इधर भी डाल देते हैं 5 फेब 2022। हमको सेलेक्ट करके डायरेक्ट डेट तो हमको लगभग सेम सेम डालनी है। ठीक है, नहीं, हाँ ज़रूरत है, वहाँ पे हम चेंज करेंगे। इसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 डाल देते हैं, डाल लेते हैं 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 6 डाल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको ट्रैक कर देते हैं। ओके, नहीं, यहाँ पे भी 6 डाल दें, यहाँ पे भी हो जाएगा 6। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रैक करेंगे तो लगभग आप जितने में सिलेक्ट करना चाहते हो उतने में हो जाएगा। 8 तक हम डाल देते हैं 6, उसके बाद हम डालेंगे डेट 7। ओके, इधर डाल देते हैं 6 के बाद 7 ही तो आता है, इसके बाद 7। ओके, इसमें भी डालेंगे 6 के बाद 7। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं, ये हो गया 7। ओके, अब हमको टाइम डालना है। टाइम 9:09 AM। ओके, कैपिटल लेटर में डालते हैं, पहले इसको अच्छे सेलेक्ट कर देते हैं 9 AM। ओके, AM सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट हमको यहाँ पे जाना है जर्नल पे। ओके, फिर यहाँ पे जाना है मोर नंबर फॉर्मेट। ठीक, तो फिर
पहले हम इन सब कुछ कर लेते हैं सिलेक्ट। ओके, फिर हमको इस ऑप्शन पे जाना है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे, मोर नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमको आ जाता है टाइम का, टाइम टाइम ये रहा टाइम, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिखा है पीएम, ठीक, एएम पीएम हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाके यहाँ पे होता है शायद हावर मिनट सेकेंड, ये हावर मिनट एएम पीएम। ओके, ये देखो अब ये अपने आप लिखेगा। ओके, अब यहाँ पे हमको फिर से टाइमिंग चेंज करनी है, 10:30। ओके, अब इधर डाल देते हैं 11, यार 11 डालना है यहाँ पे 11। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे डाल देते हैं 11 AM डालना है हमको, इसको डालते हैं 11 AM। ओके, अब डालते हैं 12 PM। ओके, अब डालते हैं 2 PM। 2 PM के लिए हमको 14 डालना पड़ेगा। ओके, 14 उसके बाद 00, ठीक है, तो 2 PM आ जाएगा। उसके बाद फिर से डाल देते हैं 2 PM 14:00। ओके, फिर से डाल देते हैं 14:00 और 15 मिनट, ठीक। फिर 3 बजाने हैं, 3 बजाने के लिए 3:00, 3 नहीं, यहाँ पे डालेंगे हम 15, ठीक, क्या 00। यहाँ पे 24 घंटे चलते हैं, ठीक है, 12 के बाद 1 नहीं आता है, 12 के बाद 13 होता है, ठीक है, पीएम में, दोपहर में। ओके, तो यहाँ पे हमको ये करने के लिए डायरेक्ट डालना है। अब हमको 9 बजाना है सुबह का, तो सुबह के लिए तो डायरेक्ट 9 लिख देते हैं, 00 बज गया 9, ठीक है। उसके बाद 9:15, 9:15। ओके, उसके बाद फिर से 9:15, 9:15। ओके, उसके बाद हम 10 बजा देते हैं यहाँ पे 10। ओके, यहाँ पे हम 10 बजा के 10 मिनट कर देते हैं। ओके, हो गया सब फिल। अब यहाँ पे हमको विजिटर के नेम डालने हैं, ठीक। जैसे कि पहला नेम हम डालेंगे संदीप कुमार। दूसरा नेम डालना है सुधीर मोहन। तीसरा नेम हमको डालना है आशीष शर्मा। ओके, चौथा नेम हमको डालना है अभी सेन। ओके, पांचवा नेम हमको डालना है राजा वर्मा, ठीक। और छठवा नेम डालना है हमको धीरज त्यागी। उसके बाद डालते हैं दीपक कुमार। फिर डालते हैं सोहित कुमार। उसके बाद डालना है राहुल सिंह। ओके, उसके बाद डालना है हमको सोहित गौतम, ठीक है। सोहित गौतम के बाद रवि कुमार। ओके, रवि कुमार के बाद हमको डालना है दीपक प्रजापति, ठीक है। उसके बाद डालना है हमको राम कुमार। ओके, कुमार का के कैपिटल होएगा कुमार। ओके, तो ये हमारे नेम डल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ को इधर डबल क्लिक करेंगे, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद विजिटर विद, मतलब ये कितने लोगों के साथ आए थे, ठीक है, तो इधर डालना पड़ेगा कितने लोगों के साथ ही आए थे। जैसे कि 2 पर्सन, ये 2 लोग आए थे, ठीक है, इधर डाल देते हैं नन का मतलब अकेले आए थे, ठीक है। इसमें 1 पर्सन, मतलब ये एक, इनके साथ 1 पर्सन और आया था, 1 पर्सन, इधर डाल देते हैं नन, एक ही पर्सन आया था बस,
उनके साथ एक और पर्सन आए थे, टू पर्सन, टू पर्सन। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं वन पर्सन, वन पर्सन, फिर से डाल देते हैं वन पर्सन, वन पर्सन। उसके बाद हमको यहाँ डालना है नन, नन, नन को डायरेक्ट सेलेक्ट करके हम ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। इतने में नन डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ डाल देते हैं वन पर्सन, नीचे बचा है इसमें डाल देते हैं टू पर्सन, पर्सन, ओके। अब हमको रिमार्क करना है, ठीक है। रिमार्क का मतलब क्या होता है, ये लोग किस चीज़ के लिए आए थे, ठीक है। रिमार्क का मतलब होता है किस चीज़ के लिए आए थे, तो यहाँ पर डाल देते हैं फॉर मीटिंग, ओके, फॉर इंटरव्यू, फॉर इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद फिर से डाल देते हैं फॉर मीटिंग, उसके बाद फिर से फॉर इंटरव्यू, फिर से फॉर मीटिंग, ठीक है। उसके बाद डाल देते हैं फॉर पर्सनली, पर्सनल, पर्सनल डाल देते हैं बस, फॉर पर्सनल, ओके। उसके बाद फिर से डालना है हमको फॉर मीटिंग, ठीक है। उसके बाद डालना है फॉर इंटरव्यू, इसको डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं, ये हमको चार बार पांच बार चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ से उठा के डायरेक्ट ट्रैक कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर मीटिंग, फॉर मीटिंग, यहाँ पे फॉर पर्सनल, ओके। अब यहाँ पे भी डबल क्लिक कर देते हैं ऊपर जाके कॉलम पे, तो ये ऑटो साइज हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं, ओके। इन सबको सिलेक्ट करके डायरेक्ट हमको इसमें पहले हम बॉर्डर कर देते हैं सब में, ऑल बॉर्डर, ओके, थिक आउट साइड, ओके। अब हम इसमें कलर भर देते हैं थोड़ा, पहले इसको कर देते हैं बोल्ड, ओके, पहले इतना सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कलर भर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी चाहें, जैसे कि येलो, येलो एंड ब्लैक, ठीक है, ओके। जैसे कि ये दोनों हैं, इसमें भर देते हैं ब्लैक और मैं येलो, ओके। इसमें भर देंगे हम, आप जो चाहे वो कलर भर सकते हो, उसमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसमें आपको कोई ये नहीं कहता कि आप ऐसा भरो वैसा भरो या ऐसा मत भरो, ठीक है। राइट, इसमें भर देते हैं अलग कलर, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं ज़्यादातर वही भरता हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसा चाहो वैसा भर सकते हो, ओके। अब इन दोनों में हम ब्लैक भर देते हैं, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे कर देते हैं येलो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद हमको ये सिलेक्ट करना है, तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं कट, ओके। अब इसको जो हमने मर्ज किया था, मर्ज एंड सेंटर हटा देते हैं, उतना ही सिलेक्ट करते हैं जितने में लिखना है हमको, ठीक है। दोबारा मर्ज करते हैं, ठीक। तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विस्टा डाटा रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके हमको थोड़ा जूम बड़ा करना है, हाँ इतना काफ़ी है, बोल्ड है ही। अब इसमें हम कौन सा कलर करना, नहीं ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये ठीक है, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, हाँ ये ठीक है ना, ये ठीक है, ओके। और इसमें हम बॉर्डर कर देते हैं ये लो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।